देश भर में जहां भारत बंद की चर्चा रही, कृषि कानून को खत्म करने के लिए लामबंद किसानों के समर्थन का आगाज रहा, वहीं इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में अलग ही खेल चल रहा था। खेल आम आदमी पार्टी बनाम केंद्र सरकार का था। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, लेकिन पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया। वहीं लगे हाथ अक्सर दिल्ली की राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो ट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा ने दावा किया कि 7 दिसंबर को किसानों से मिलने के बाद रात के वक्त अरविंद केजरीवाल शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, लिहाजा उन्हें रात को नजरबंद करने का आम आदमी पार्टी का दावा झूठा है। सीएम अरविंद केजरीवाल नजरबंद रहे या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा था तो दूसरी तरफ पुलिस और बीजेपी के नेता उसके दावों को खारिज करते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री जी ने इनको किसानों के लिए जेल बनाने से रोका तो इन्होंने मुख्यमंत्री के घर को जेल बना दिया है। हाँ, देखिए वो सिंगू बॉर्डर पे गए, दिल्ली पुलिस एक वीडियो जारी कर रही है, कह रही है कि कल शाम को समारोह में गए थे सीएम साहब। तो ये लोग किस लिए रोके गए हैं? ये अगर हाउस अरेस्ट में नहीं है सीएम तो यहाँ किस लिए रोक के रखा हुआ है? जाने दे सीएम के यहाँ। तो आप अभी जाएंगे सीएम से मिलने? बिल्कुल जाऊंगा। इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच उत्तरी दिल्ली के डीसीपी अंटो अल्फोस ने कहा कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर तैनात पुलिस और बैरिकेड्स सामान्य रूप से होने वाली सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही की गई है, ताकि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में कोई झड़प ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घर में नजरबंद नहीं किया गया है। वैसे देखा जाए तो मामला किसानों का था। भारत बंद उनकी मांग के लिए सरकार से लेकर आवाम तक का ध्यान खींचने के लिए था, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ही रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।